हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुल्लू मुकेश इस चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का वीडियो, यानी दोस्तों हैप्पी बर्थडे के लिए स्टेटस वीडियो आप अपने फ़ोन से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सेम इसी तरह का वीडियो आपको ही बनाना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने के बाद आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक या व्हाट्सएप या कोई से भी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जा सके। और फ्रेंड्स सेम इसी तरह का वीडियो आप भी बना सकते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्रेंड्स हर एक वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स हमसे कुछ पूछना है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आइए और वहां से कुछ ही मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और हमने एडिटिंग का चैनल ओपन किए हैं, उस चैनल का लिंक दे दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल पर जाइएगा और फ्रेंड्स उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप काइनमस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ प्लस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से 9:16 का जो रेशियो है इसी रेशियो को आपको चूज कर लेना होगा। कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स इस पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स सबसे पहले आप बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ से ब्लैक कलर को सिंपली आपको यहाँ पे लेना है और यहाँ से उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा और इसका ड्यूरेशन कुछ इतना आपको लेना है। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आपको लेना है, 30 सेकेंड के आसपास लेना है कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स। और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है, उसे शुरू में आ जाना है। फिर जाना है लेयर में, फिर मीडिया में आइएगा और फ्रेंड्स यहाँ से एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, इस वीडियो को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से। और फ्रेंड्स इसके बारे में हम इस वीडियो को लास्ट में बताऊंगा ये वीडियो आपको कहाँ से मिलेगा, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से फुल स्क्रीन में कर लेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे और इसको कुछ आगे इतना खिसकाएंगे। देख सकते फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से इतना उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन वाला में आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, देख सकते हैं फ्रेंड्स क्रोमा की का ये वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ देख लेंगे कि कलर का जो सिंबल है यहाँ रहना चाहिए ग्रीन। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पहले से सिलेक्ट है और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे और सिंपली यहाँ से इनेबल कर देंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे, उससे शुरू में आ जाएंगे और फ्रेंड्स यहाँ आगे हल्का सा खिसकाएंगे कुछ इस प्रकार से। फिर जाएंगे लेयर में, फिर मीडिया में आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स। और यहाँ जो भी आपको फोटो लगाना है उस फोटो को यहाँ से आपको ऐड कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से। जैसे फ्रेंड्स हमको ये वाला फोटो लगाना है कुछ इस प्रकार से, इसको ले लेंगे और इसको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंड टू बैक का जो ऑप्शन मिलेगा इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ शुरू में कर लेंगे देख सकते फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से, और इसको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं देख सकते फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से, और इसको आगे बढ़ाएंगे इतना हो गया फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और एडजस्टमेंट कर लेंगे देख सकते फ्रेंड्स इतना हो गया। और इसको देख सकते हैं आगे भी आ सकता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ तक यहाँ अंत है देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ कोई चीज़ पर आ जाएंगे और यहाँ से ट्रिम टू राइट पर क्लिक कर देंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ऊपर पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से अगला शुरू हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ रोक लेंगे कुछ इस प्रकार से, फिर जाएंगे लेयर में, फिर मीडिया में आ जाएंगे और फ्रेंड्स दूसरा फोटो आपको लगाना है उस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना होगा सिंपली कुछ इस प्रकार से। और इसको जूम कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेंड टू बैक का जो ऑप्शन मिलेगा इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा, और इसको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको एडजस्टमेंट कर लेना होगा देख फ्रेंड्स। और यहाँ देख सकते हैं इस फोटो को एडजस्टमेंट कर लेना होगा, यहाँ फोटो आपको दिखाना चाहिए कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ क्रोपिंग का जो ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कीजिएगा और सिंपली इधर से आपको क्रोप कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वाला कहाँ आ रहा है देख सकते फ्रेंड्स लास्ट में, यह इसको आगे इतना खिसका लीजिएगा इसको, और इसको देख सकते हैं कहाँ तक आ रहा है, इसको कुछ इस प्रकार से लाइएगा और यहाँ लास्ट हो रहा है देख सकते फ्रेंड्स। फिर यहाँ कैंची पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ट्रिम टू राइट पर क्लिक कर देना होगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ऊपर पर क्लिक कर दीजिएगा और एक में लग गया और इधर में लगाना है, यहाँ रोक लीजिएगा। फिर जाना वाला लेयर में, फिर मीडिया में आइएगा और फ्रेंड्स यहाँ से दूसरा फोटो यानी दोस्तों तीसरा फोटो आपको लेना है कुछ इस प्रकार से, और इसको भी यहाँ कुछ इस प्रकार से जूम कर लेना होगा देख सकते फ्रेंड्स। और यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेंड टू बैक में आपको क्लिक कर देना होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा और इसके बराबर आपको कर लेना होगा पहले कुछ इस प्रकार से, इस पर क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा और कैंची पर आइएगा और फ्रेंड्स यहाँ ट्रिम टू राइट पर क्लिक कर देना होगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से, और इसमें और एडजस्टमेंट कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना हो गया। और इसको देख लेना है नीचे भी इतना पर एडजस्टमेंट कर लेना होगा, और फ्रेंड्स यहाँ क्रोपिंग का जो ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स इधर से आपको क्रोप कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, और यहाँ से ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमारा फाइनली वीडियो बनकर तैयार हो गया यानी दोस्तों एनिमेशन बनकर तैयार हो गया देख सकते फ्रेंड्स कितना अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स इसमें और
लगाना है आपको। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा, देख सकते फ्रेंड्स इतना हो गया और यहाँ पे आपको लगाना है दूसरा, यहाँ पर रोक लीजिएगा, फिर जाना होगा लेयर में, फिर मीडिया में आइएगा और फ्रेंड्स यहाँ से दूसरा फोटो यानी दोस्तों 1 2 3 चौथा फोटो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना होगा। कुछ इस प्रकार से ये वाला फोटो है और सिंपली इसको यहाँ से जूम कर लेना होगा, कुछ इस प्रकार से इतना आपको कर लेना होगा देख सकते फ्रेंड्स। और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेंड टू बैक में आपको क्लिक कर देना होगा और इसको आगे खिसकाइएगा कुछ इस प्रकार से और इसको कुछ इस प्रकार से लास्ट टाइम लाइएगा इतना और इसको देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऐड कर लेना होगा सिंपली आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फोटो को और एडजस्टमेंट कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स अच्छा लगना चाहिए। और फ्रेंड्स ऑप्शन वाला में आ जाना होगा, आने के बाद दोस्तों ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर क्रोपिंग का, इस पर क्लिक कीजिएगा और इसको इधर से क्रोप कर लीजिएगा आधा में और यहाँ से ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स देख सकते हैं एक लग गया कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं लग गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा इसको देख लेना है कहाँ तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हो गया और इसको हल्का सा आगे खींच बढ़ा लेना है आपको कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, हल्का और थोड़ा सा और इसको हल्का ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स, इसको कम कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से इतना रख आपको भी रख लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ से सेकंड आपको लगाना है, फिर जाना होगा यहाँ ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर जाना होगा लेयर में, फिर मीडिया में आइएगा और फ्रेंड्स यहाँ से दूसरा फोटो आपको लेना है कुछ इस प्रकार से, यानी दोस्तों पांचवा फोटो हो गया और इसको भी जूम कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ फुल स्क्रीन में और फ्रेंड्स यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ सेंड टू बैक का जो ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स इसको इधर खिसका लेना है आपको कुछ इस प्रकार से, इस फोटो को यहाँ पर आपको ऐड कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, इसको नीचे खिसका लीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन वाला में आ जाना होगा, आने के बाद उस ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे क्रोपिंग का, इस पर क्लिक कीजिएगा और इधर से इसको क्रोप कर लीजिएगा आधा में कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स और यहाँ से उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और जस्ट इसके बराबर में आपको कर लेना है कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं हो गया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना होगा और फ्रेंड्स देख सकते हैं इतना वीडियो बनकर तैयार होगा। उससे फ्रेंड्स इसको हल्का सा और इसको इतना हो गया बढ़ा लिए और यहाँ से उसके ऊपर क्लिक कर दिए और यहाँ आपको दूसरा फोटो लगाना है कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि फ्रेंड्स उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ लेयर में जाएंगे कुछ इस प्रकार से, फिर मीडिया में आ जाएंगे और फ्रेंड्स यहाँ से इस फोटो को आपको ऐड कर लेना होगा आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये वाला जो फोटो है इसको ले लिए और सिंपली यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर इसी पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ सेंड टू बैक का जो ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर देंगे और इसको इतना बढ़ा लेंगे कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का एनिमेशन बनकर तैयार हो गया, यहाँ से फ्रेंड्स आपको बता दूँ प्ले कर किस तरह का लग रहा है, देख सकते फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते फ्रेंड्स इतना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं ब्लू स्क्रीन है, इसको भी आपको हटाना है, उसके लिए फ्रेंड्स इसको पहले सेव कर लेना होगा, यहाँ शेयर पर आइएगा और फ्रेंड्स इसे स्पॉट कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स हम पहले से स्पॉट करके रखे हुए हैं तो फ्रेंड्स आपको स्पॉट करना होगा, उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना होगा कुछ इस प्रकार से, फिर जाना होगा प्लस पर क्लिक कीजिएगा और फिर से यहाँ से 9x16 का जो रिश्यू है इसी रिश्यू को लेना होगा, फिर जाना होगा बैकग्राउंड इस पर क्लिक कीजिएगा और सिंपली यहाँ से ब्लैक कलर को ले लीजिएगा और यहाँ से ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और इसका रिजन कुछ इतना आपको लेना है देख सकते फ्रेंड्स, एंड दोस्तों 30 सेकंड के आसपास लेना है और यहाँ से उसके ऊपर क्लिक कर देना, उसे शुरू में आ जाना होगा, फिर जाना होगा लेयर में, फिर मीडिया में आइएगा और फ्रेंड्स अभी जो स्पॉट किए वीडियो उसी वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना होगा और इसको हल्का सा इसको कम कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा और इसको शुरू में कर लीजिएगा, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और इसको यहाँ से फुल स्क्रीन में कर लेना होगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वाला जो है ब्लू स्क्रीन इसको हटाना है, उसके लिए फ्रेंड्स इस पर क्लिक करना है और फ्रेंड्स सबसे पहले इसको यहाँ सेम कर लीजिएगा बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से कट कर लीजिएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स से ऑप्शन वाला में आ जाना होगा, आने के बाद दोस्तों ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे क्रोमा की का, इस पर क्लिक कीजिएगा और सिंपली यहाँ की कलर का जो ऑप्शन दिया हुआ इस पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा और इसको सिंपली यहाँ से इनेबल कर देना होगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वाला कहाँ से शुरू हो रहा है इसको और यहाँ से शुरू हो रहा है देख सकते फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स लेयर में आइएगा, उसमें मीडिया में आइएगा और फ्रेंड्स एक और फोटो यहाँ पे ऐड कर लेना होगा आपको कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये वाला जो फोटो है इसको ले लिए और सिंपली यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेंड टू बैक का जो ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा और इसको यहाँ से इसका डिजिशन को बढ़ा लीजिएगा फोटो को और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ से एनिमेशन बनकर तैयार हो गया, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। तो सेम इसी तरह से आपको भी बना लेना है, उससे फ्रेंड्स इसमें टेम्पलेट एक यूज करना है हमको, उसके लिए फ्रेंड्स आपको लेयर में जाना होगा कुछ इस प्रकार से, फिर जाना होगा मीडिया में और फ्रेंड्स
इस टेम्पलेट को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना होगा सिंपली, और यहाँ से फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और इसे साउंड यहाँ से बंद कर दीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स से ऑप्शन वाला में आ जाना होगा। आने के बाद दोस्तों ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक कीजिएगा और सिंपली इसको यहाँ से स्क्रीन आपको कर लेना होगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स देख सकते फाइनली हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया। देख सकते फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। तो सेम इसी तरह से आपको भी बना लेना है स्टेप बाय स्टेप करके। और फ्रेंड्स जो भी मैंने मटेरियल यूज किया है इन सब चीज़ों का लिंक दे दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे फ्रेंड्स इस वीडियो को आपको सेव कर लेना होगा। सेव करने के लिए दोस्तों शेयर पर क्लिक कीजिए। उससे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं कोई सा भी इसमें सॉन्ग लगाना है तो फ्रेंड्स ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, इस पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स आपकी गैलरी में जितना भी सॉन्ग रहेगा यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से कोई सा भी आप सॉन्ग लगा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमको ये वाला सॉन्ग लगाना है तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस पर क्लिक कर देंगे, सॉन्ग ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ से ऊपर क्लिक कर देंगे और इस सॉन्ग को यहाँ से शुरू से कर लेंगे कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, और यहाँ से देख सकते हैं सॉन्ग इसमें ऐड हो गया। उससे फ्रेंड्स इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। सेव करने के लिए दोस्तों शेयर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से रजिस्ट्रेशन को फुल HD कर लीजिए आप अपने अनुसार से, और इस लाइन को फुल रखिएगा और यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा और फ्रेंड्स वहाँ से आप कहीं भी शेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।